इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में उठा हूती का तूफान। अब पूरे मिडल ईस्ट को अपने आगोश में लेने को तैयार है। इसराइल और अमेरिका ने हूती को जितने हल्के में लिया था, आज वही हूती इन दोनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और अब इसराइल को समझ नहीं आ रहा कि वो गाजा और लेबनान बॉर्डर पर मोर्चा संभाले या फिर लाल सागर में हूती को संभाले। दरअसल अब हूती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने ताल ठोक कर कह दिया है कि इसराइल के ऊपर हमला सिर्फ एक झांकी थी। अभी उसके तरकश में ऐसे ऐसे हथियार बाकी हैं जो इसराइल का नामो निशान मिटा सकते हैं। मलिक ने कहा कि हूती ने इसराइल के ऊपर एक अत्याधुनिक मिसाइल से हमला किया है। जो इसराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर तेल अविव में जा गिरी। मलिक का कहना है कि हूती ने जिस मिसाइल से इसराइल के ऊपर हमला किया है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे इसराइल के ऊपर हमले के पांचवें चरण के रूप में फायर किया गया है। लेकिन यहां पर मलिक ने इसराइल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। उसने कहा कि अब जो आ रहा है वो बहुत ही बड़ा होगा। بصاروخ باليستي جديد بتقنية متطورة حيث تجاوز واخترق كل أحزمة الحماية التي يحتمي بها العدو الإسرائيلي ويتمترس بها بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المتعددة والمتنوعة. आपको बता दें कि 15 सितंबर 2024 को हूती ने इसराइल के तेल अविव के ऊपर एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से पूरे इसराइल में हड़कंप मच गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाए थे। वहीं हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने अपने एक बयान में कहा था कि ये मिसाइल सिर्फ 11.5 मिनट के भीतर अपने टारगेट पर जा गिरी थी। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفق الدفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة تقدر ب2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. वहीं हूती के इस हमले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इजरायल हूती के इस हमले की भारी कीमत वसूलेगा। הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. हूती के इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हूती की ये मिसाइल तेल अविव में एक बिजली घर के ऊपर गिरी थी, जिसकी वजह से वहां आग लग गई और मोदेइन स्टेशन के करीब संपत्ति को काफी नुकसान भी हुआ था।